नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक चार क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। यह है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थीं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। अब पढ़ने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं किन ऐतिहासिक ताकतों की बात कर रहे हैं, संविधान का स्वरूप तय किया। है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि वे कौन कौन से लोग थे या वे कौन कौन से ग्रुप थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया है, यानी संविधान को बनाने में किस किसने हेल्प की। ये है क्वेश्चन सिंपल। तो ऐतिहासिक ताकतें में यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वे कौन कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये तो पहले ऐसी लाइन लिखी हुई, योगदान दिया तक। अब है पहला पॉइंट, ये है समझने की चीज़। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार अक्टूबर 1946 को किया गया था। कि संविधान बनाने वाली जो पूरी कमेटी बनी थी, सभा बनी थी, उसको किसके अनुसार बनाया था, कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो पहली चीज़ कौन हुई, पहली ऐतिहासिक ताकत कौन हुई जो संविधान को बनाएगी, वो हुई कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारी संविधान सभा बनी है। इसके सदस्यों का चुनाव 1946 ईस्वी में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, यानी इलेक्शन हुए थे उसके बाद इसके सदस्य चुने गए थे। तो ये यही बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन ने ही सदस्यों को चुना। उसके बाद है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ रियासतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया। तो जो भारतीय प्रांत हैं उसके सदस्य तो चुनाव चुनकर आए ही, हमने पढ़ा ऊपर। उसके अलावा जो रियासत थी, यानी जो राजा वाजा थे, वो लोग भी बुलाए गए इस सभा में पार्ट लेने के लिए। तो रियासतों के प्रतिनिधि का मतलब है जो राजे रजवाड़े थे वहाँ से भी लोगों को बुलाया गया। उसके बाद है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी किसमें, संविधान बनाने के काम में। तो मुस्लिम लीग के बारे में लिखा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले भाग नहीं लिया था, यानी शुरू में इसने भाग नहीं लिया था, पर बाद में इसने भाग लिया था संविधान को बनाने में, क्योंकि इसे पाकिस्तान का संविधान भी बनाना था, तो इसने मिलकर संविधान सभा में भी रोल अपना निभाया है। तो पता चल गया हमें कि पहले पॉइंट से कि तीन आदमी, मतलब तीन ग्रुप कह लो, तीन कुछ भी कह लो आप, तीन चीज़ हैं शुरू में ऐतिहासिक ताकतों में जिन्होंने संविधान में हेल्प की है। पहला इस पॉइंट से निकल कर आया था कैबिनेट मिशन, उसके बाद निकल कर आया था रियासतों के प्रतिनिधि, और तीसरी है मुस्लिम लीग। ठीक है, वह है हमारा अगला पॉइंट, सीधा ही थर्ड पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, और इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो 9 पॉइंट तो वैसे ही हैं, तो ज़्यादा लंबा भी हो रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं होता लिखना एग्ज़ाम में। जितना मतलब चाहिए सिर्फ हमें उतना ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ भी फ़ायदेमंद नहीं होती ज़्यादा। तो सेकंड पॉइंट जो था वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ये है थर्ड पॉइंट। आप इन पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हो, आप इसको सेकंड लिख लो थर्ड की बजाय, जैसे अगला फोर्थ आएगा इसको आप थर्ड बना लेना। तो अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। संविधान सभा में आर्थिक विचारों के विषय पर कुछ सदस्य समाजवादी थे और कुछ जमींदारों का समर्थन करने वाले थे। समाजवादी का मतलब होता है जो कि मतलब प्राइवेट चीज़ नहीं चाहते कुछ भी, सब कुछ चाहते हैं कि सरकार के हाथों में हो और सरकार ही समाज की भलाई करे। तो कुछ तो हो गए समाजवादी, और कुछ थे जमींदारों के समर्थक, यानी ये हो गए पूंजीवादी, यानी पैसे वालों के समर्थक। ठीक, विभिन्न धर्मों व जातियों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संविधान सभा में कुछ स्वतंत्र सदस्यों एवं महिलाओं को भी नामांकित किया गया था। तो कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर भी बुलाए गए थे संविधान सभा में। क्वेश्चन क्या था, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थीं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया है, यानी वो कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल हुए। पहले हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन शामिल हुआ, रजवाड़ों के प्रतिनिधि यानी राजा वगैरह वो शामिल हुए, उसके अलावा मुस्लिम लीग शामिल हुई। अब थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा है समाजवादी लोग भी शामिल हुए, जमींदारों के समर्थक यानी पूंजीवादी लोग भी शामिल हुए, उसके अलावा इसी में लिखा था विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग भी शामिल हुए, और बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुई। तो स्वतंत्र रूप से भी मेंबर्स को बुलाया गया था कि आप ये चुने गए थे आदमी कि इनको संविधान सभा में बुलाना चाहिए। इन सभी ने संविधान के स्वरूप निर्धारण को अनेक रूपों में प्रभावित किया, यानी इसका मतलब यही है कि इन सभी लोगों ने मिलकर संविधान का रूप तैयार किया। अब फोर्थ पॉइंट, सबसे मेन आदमी जिन्होंने संविधान का बिल्कुल पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है वो कौन है, भीमराव अम्बेडकर, यही लिखा आगे। सुप्रसिद्ध विधि वेता एवं अर्थशास्त्री
बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे, यानी सबसे मेन थे वो। उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सराहनीय कार्य किया है, यानी जो ड्राफ्ट कमेटी थी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे कौन, भीमराव अंबेडकर। यानी पूरा खाका जो है, फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। तो इस तीसरे पॉइंट में, वैसे चौथा लिखा हुआ है पर हम जैसे पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा पॉइंट है, तो इस तीसरे पॉइंट में हमें पता चल गया सबसे मेन आदमी कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो मुस्लिम लीग की भी मदद रही, भीमराव अंबेडकर की भी रही, स्वतंत्र सदस्य भी आए, राज्य रजवाड़े से भी आदमी शामिल किए गए, ठीक है। ये सभी अब तक वे लोग हैं जिन्होंने संविधान में हेल्प की है। इसी पॉइंट में है फोर्थ में आगे, गुजरात के वकील के एम तथा मद्रास के वकील अल्लादी कृष्ण रामास्वामी अय्यर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख सहयोगी थे, यानी इनके बिल्कुल खास थे, इनकी पूरी अंबेडकर के बिल्कुल ये थे, मैनेजर की तरह कह सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव, ये साथ में इनके रहते थे और जो जो काम अंबेडकर जी ने किया है मतलब पूरा यही उसको तैयार करते थे, फुल वो थे, इनके साथ में काम करने वाले थे, ठीक है। तो इनका भी बहुत मेन रोल रहा है, ये अंबेडकर जी के साथ लगे रहे थे ड्राफ्ट को तैयार करने में, ठीक। इन दोनों के द्वारा संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, वही कि ड्राफ्ट पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब है फिफ्थ पॉइंट, संविधान का स्वरूप निर्धारण करने में जनमत का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जन होता है लोग, मतलब मत होता है वोट, यानी लोगों ने भी अपनी वोट डालकर या किसी भी तरीके से अपनी बात रखकर संविधान सभा के सामने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, यानी लोगों की बात भी संविधान सभा ने सुनी थी। पूछी जाती थी लोगों से कि ये रूल बनना चाहिए, हमें संविधान में ये कानून ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनमत भी एक ऐसी ऐतिहासिक ताकत थी जिसने संविधान का स्वरूप तय किया है, यानी आम लोगों ने मिलकर भी संविधान में हेल्प की है। तो यही है, जन सामान्य के सुझावों को भी आमंत्रित किया गया, यानी उनसे भी पूछा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है, यानी जिससे कि सभी लोग साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लास्ट वाली लाइन आपकी मर्जी है, काट सकते हो, आमंत्रित किया जाता था तक इस पॉइंट को ख़त्म आप कर सकते हो। अब है सिक्स्थ पॉइंट, प्रेस में होने वाली आलोचना एवं प्रत्यालोचना ने भी संविधान के स्वरूप निर्धारण में योगदान दिया। प्रेस मतलब मीडिया, आलोचना होता है क्रिटिसाइज़ करना, यानी उसमें क्या गलत बातें हैं क्या अच्छी बातें हैं सबको रखना, और जो ये डिबेट चली मीडिया में कि अब ये रूल बनाने की कह रहे हैं संविधान सभा वाले, अब ये कह रहे हैं, तो उससे भी क्या हुआ, जो संविधान सभा है वो हमेशा देखती थी कि मीडिया में क्या चल रहा है और लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं हमारे काम के ऊपर। तो जो प्रेस है, मीडिया है, उसका भी मेन रोल रहा है संविधान को तैयार कराने में, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि इसमें आम लोगों की भागीदारी भी रही, मीडिया की भागीदारी भी रही, और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और उनके दो सहयोगी वकीलों की भागीदारी भी रही। उसके अलावा कैबिनेट मिशन से तो संविधान सभा ही बनी थी, उसकी भी भागीदारी रही, मुस्लिम लीग की भी भागीदारी रही, और कांग्रेस तो है ही सबसे मेन, कांग्रेस की तो भागीदारी रहेगी, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने मिलकर संविधान का स्वरूप तैयार किया है। अब है हमारा अगला पॉइंट, दलित और हरिजन नेता भी संविधान सभा में शामिल हुए और दलितों के लिए समानता एवं आरक्षण की बात रखी। तो दलित नेता जो लोअर कास्ट के नेता थे वो भी शामिल हुए, हरिजन नेता दलित नेता एक ही बात है, तो दलित और हरिजन नेता भी शामिल हुए संविधान सभा में और दलितों के लिए समानता और आरक्षण की बात संविधान के लिए उन्होंने रखी, ठीक। अब एट्थ पॉइंट, आदिवासी समूहों के नेता भी संविधान निर्माण में शामिल हुए और आदिवासियों की भलाई की बातें संविधान सभा में शामिल की, ठीक है। आदिवासी जो नेता थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया संविधान में। दो नेताओं के नाम याद रखने लिखे हुए हैं इसमें, एनजी रंगा और जयपाल सिंह प्रमुख आदिवासी नेता थे। अब है नाइन्थ पॉइंट, उदारवादी मुस्लिम नेता जिन्होंने विभाजन का विरोध किया था उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदारवादी मुस्लिम नेता का मतलब है जो अच्छी सोच वाले मुस्लिम नेता थे जो कि देश के बंटवारे के खिलाफ थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना किया जाता हो, ठीक है। तो ऐसा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने में किसने हेल्प की, उदारवादी मुस्लिम नेताओं ने। अब लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन, इस प्रकार संविधान सभा
देश की आम जनता, मीडिया तथा अलग अलग जाति, वर्ग और धर्म के लोगों ने संविधान का स्वरूप तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आम जनता ने भी, संविधान सभा ने भी, मीडिया ने भी, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के और अलग अलग धर्म के लोगों ने संविधान को बनाने में या उसका स्वरूप तय करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। क्लियर क्वेश्चन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो दलित लोग थे उनके बारे में जो क्या क्या सुरक्षा के लिए बातें कही गई थी, क्या क्या उनके लिए अच्छे काम करने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, वो बातें हमें इसमें बतानी है। तो दमित लिखा हो या दलित लिखा हो, एक ही बात है, वो लोग जो समाज में सबसे नीचे थे, जाति में जिनको सबसे लो माना जाता था। पहला पॉइंट है, भीमराव अम्बेडकर दलितों के सबसे बड़े समर्थक थे, यानी सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे दलितों के, भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण और पृथक निर्वाचन की मांग की थी, यानी दलितों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और पृथक निर्वाचन यानी इलेक्शंस में अलग सीट मिलनी चाहिए, यह किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी आरक्षण का विरोध करते थे, उनका कहना था कि इससे दलितों की स्थिति सुधरने के बजाय और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो गांधी जी जो है वो आरक्षण का विरोध करते थे, उनका मानना था अगर हमने दलितों को अभी आरक्षण दे दिया ना तो हम आने वाले समय में कभी भी उनकी स्थिति सुधार नहीं पाएंगे, कभी भी उनका लेवल ऊँचा नहीं उठ पाएगा, क्योंकि आरक्षण देकर हम खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो समाज में नीचे हैं, ये कहना था गांधी जी का। अब है तीसरा पॉइंट, अनेक दलित सदस्यों का कहना था कि संरक्षण से कुछ नहीं होगा, यही मतलब कि जो आरक्षण वगैरह है इसके देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज के कायदे कानून और नैतिक मूल्य बदलने होंगे। पर समाज में जो गलत सोच है, गलत कायदे कानून हैं और नैतिक मूल्य यानी उनके जो रूल्स वगैरह हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वो सारी हमें बदलनी होगी, यानी हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तब दलितों की स्थिति जो है वो कुछ सुधर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, नागप्पा ने कहा हम हमेशा से ही कष्ट उठाते आ रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है, ये वही जे नागप्पा हैं जिन जो हम पहले भी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। तो नागप्पा ने कहा कि अब हमारे बस में नहीं है ये बात, हम और ज़्यादा कष्ट अब नहीं उठा सकते, अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट, नागप्पा ने कहा संख्या में कम होना हमारी परेशानी का कारण नहीं है, यहाँ पे उनकी लिखाई की बात है, तो संख्या में कम होना उनकी परेशानी का कारण नहीं है बल्कि उनकी परेशानी का कारण समाज और भारतीय राजनीति है। तो नागप्पा ने कहा है कि संख्या में कम नहीं है दलित, ये प्रॉब्लम नहीं है कि संख्या में कम है, प्रॉब्लम ये है कि समाज और राजनीति ने उन्हें हमेशा ही नीचा माना है और कभी भी समाज और राजनीति में भागीदारी निभाने नहीं दी है। तो ये भी बात किसने कही, नागप्पा ने कही। अब है सिक्स्थ पॉइंट, खांडेलकर ने कहा कि दलितों को हजारों वर्षों तक दबाया गया है इसलिए अब इनकी स्थिति सुधारने की जिम्मेवारी या जिम्मेदारी संविधान की है, ठीक है। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, संविधान की बनती है, क्योंकि इतने सालों से दलितों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है, ये किसने कहा, खांडेलकर। आपको नाम याद रखने हैं इनके कि किस किस आदमी ने क्या क्या बात कही है, ठीक है। अब है लास्ट पॉइंट, अंत में संविधान सभा ने कुछ सुझाव दिए। पहला है, छुआछूत को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो समाज में बुराई थी ये मानते थे कि अगर कोई लोअर कास्ट का आदमी अपर कास्ट के आदमी को छूता है तो वो अपर कास्ट का आदमी अपवित्र हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी विरोध किया संविधान सभा ने और ये रूल निकाल दिया कि छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला है पॉइंट, हिंदू मंदिरों के दरवाजे सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे, यानी मंदिरों में कोई भेदभाव नहीं होगा दलितों के साथ। अगला पॉइंट है, विधायिका और सरकारी नौकरियों में दलितों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि इलेक्शंस में विधायिका जो है उसमें और सरकारी नौकरियों में दलितों को अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ की संविधान ने दलितों की भलाई के लिए। क्लियर, ये था क्वेश्चन कि दलित समूह की सुरक्षा के पक्ष में क्या तर्क दिए गए, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये जो हमारी लास्ट बुक अब चल रही है इसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे 11 चैप्टर, 12, 13, 14, 15, ये जितने भी चैप्टर हैं, इन पांचों चैप्टर्स में क्या है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी 8 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो अधिकतर इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है उसमें दिए जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लें और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अब ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन,
संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या उपाय निकाला? तो इसमें हमें बताना है कि देश की राष्ट्रभाषा जो चुननी थी संविधान सभा को, उसके लिए क्या क्या बहस हुई थी, लोगों ने क्या क्या तर्क दिए थे और लास्ट में क्या सलूशन दिया गया था। अब पढ़ते हैं इसका आंसर। भारत प्रारंभ से ही एक बहुत भाषा भाषी देश है, यानी यहाँ पे शुरू से ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत भाषा भाषी की जगह आप बहुभाषी भी लिख सकते हो, इन दोनों का मतलब सेम है, या तो आप बहुभाषी लिख लो या बहुत भाषा भाषी लिख लो, बहुभाषी ठीक रहेगा, आप यहाँ पे बहुभाषी लिख सकते हो। तो भारत शुरू से ही एक बहुभाषी देश है, यानी यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। देश के विभिन्न प्रांतों और हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, ठीक है। जिस समय संविधान सभा के समक्ष राष्ट्र की भाषा का मामला आया तो इस मुद्दे पर अनेक महीनों तक गर्मा गर्म बहस हुई, कई बार काफ़ी तनाव की स्थिति बनी, यानी बहुत लंबा डिस्कशन चला और कई बार आपस में जो है वो खींचातानी भी चली, तनाव भी आया। कुछ लोग कह रहे थे इस भाषा को बनाओ, कोई कह रहा था इस भाषा को बनाओ, तो इस मैटर पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में। अब है फर्स्ट पॉइंट। आज़ादी से पूर्व 1930 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो 1930 तक ही कांग्रेस डिसाइड कर चुकी थी कि देश की जो राष्ट्रभाषा बनेगी वो हिंदुस्तानी बनेगी। और हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि गांधी जी हिंदुस्तानी को क्यों प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तानी ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी भी है मिक्स और उर्दू भी मिक्स है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेज हैं वो भी मिक्स हैं। तो कांग्रेस और गांधी जी शुरू से ही किसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? हिंदुस्तानी को। तो फर्स्ट पॉइंट है ये। अब है सेकंड पॉइंट। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे, यानी गांधी जी तो कह ही रहे थे कि कौन सी भाषा होनी चाहिए, हिंदुस्तानी। राष्ट्रभाषा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा, अब यही वही सारी बातें कहे गांधी जी ने जो हमने उस क्वेश्चन में पढ़ी थी कि इसको सभी लोग समझ सकते हैं सारी बातें, तो पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू होनी चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना तो इसमें सिर्फ प्योर संस्कृत के वर्ड होने चाहिए और ना ही फारसी के वर्ड होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसे फारसी तथा संस्कृत दोनों का सुदूर मिश्रण होना चाहिए, यानी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से खुलकर शब्द उधार लेने चाहिए, यानी गांधी जी कह रहे थे ऐसी हो हिंदुस्तानी जिसमें कि अनेक जो क्षेत्रीय भाषा हैं यानी स्थानीय भाषा हैं उनके भी शब्द लिए जाएं। फिफ्थ पॉइंट है, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। तो ये बातें रखी गांधी जी ने क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी देश की भाषा होनी चाहिए, तो ये तर्क दिए गांधी जी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट करने के लिए। अब है अगला पॉइंट। गांधी जी को ऐसा लगता था कि यही भाषा देश के समुदायों के बीच आचार विमर्श का माध्यम बन सकती है, यह हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर सकती है। तो गांधी जी का मानना था, तीसरा पॉइंट है अलग से, कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे इस भाषा की वजह से। अब है फोर्थ पॉइंट, दुर्भाग्यवश हिंदी और उर्दू पर सांप्रदायिकता से प्रेरित राजनीति और धार्मिक संकीर्णता का कुप्रभाव पड़ने लगा। कुप्रभाव का मतलब है बुरा असर पड़ने लगा। तो अब क्या हुआ, जो हिंदुस्तानी भाषा है इसके ऊपर लोग अलग अलग कमेंट करने लगे, कोई कहने लगा कि ये हिंदुओं की भाषा है सिर्फ, इसे केवल उत्तर भारत में बोला जाता है, तो इससे राजनीति और धार्मिक संकीर्णता यानी धर्म के नाम पर लोग इसे मतलब गलत गलत कहने लगे, और जो हिंदुस्तानी गांधी जी ने सजेशन दिया था वो भाषा जो है अब नहीं मानी लोगों ने, और कहा कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखा है इस लाइन में कि इस पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा, कुप्रभाव पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई और भाषा को भी क्या बना दिया, राजनीतिक पहचान बना दिया। लेकिन महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की हिंदुस्तानी भाषा के साझे चरित्र में आस्था कम नहीं हुई। ये हिंदुस्तानी से पहले की के नहीं आएगा, की आएगा यहाँ पे। तो लेकिन महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की हिंदुस्तानी भाषा के साझे चरित्र में आस्था कम नहीं हुई, यानी उनका जो फीलिंग्स थी, उनकी जो आस्था थी वो वही रही और वो हिंदुस्तानी को ही अब भी राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। क्लियर यहाँ तक? तो अब तक जो मेन फेवर आया है भाषा का वो आया है हिंदुस्तानी का। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को बनाना चाहते हैं और कांग्रेस भी हिंदुस्तानी को ही बनाना चाहती है। अब है फिफ्थ पॉइंट,
संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरवी धुलेकर, संयुक्त प्रांत का मतलब है जो आज का यूपी है ये एरिया, तो इस प्रांत से जो कांग्रेस के सदस्य थे धुलेकर नाम है, क्या नाम है, धुलेकर, धुलेकर ने आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान बनाने की भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी हिंदी का प्रयोग संविधान बनाने में किया जाए। धुलेकर ने उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने यह तर्क दिया कि संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते। तो धुलेकर ने प्योरली वही कही है बात कि हिंदी और हिंदुस्तानी जो है वो लैंग्वेज ही होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज, इसी में हमारा संविधान बनना चाहिए और इसी में सारे काम होने चाहिए। और उन जो ये है, इसने उन लोगों का विरोध किया है जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तानी को पूरा भारत नहीं समझता। आगे लिखिए लाइन, और भी धुलेकर ने जो कही थी वो एज इट इज़, इस सदन में जो लोग भारत के संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। तो ऐसी बात कही थी धुलेकर ने उन लोगों के लिए कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं समझते ना, हिंदी नहीं समझते, तो उन्हें इस सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ से उठ के चले जाओ। तो गलत बात थी धुलेकर ने, पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बहस हुई थी आपस में, क्या क्या विचार विमर्श हुए थे और लास्ट में कौन सी भाषा अपनाई गई। तो अब तक हमने पढ़ा है कि सारा फेवर हिंदुस्तानी का चल रहा है, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उसके बारे में गलत कहा है धुलेकर ने कि जो हिंदुस्तानी नहीं समझ सकते ना वो सभा में भी बैठने के लायक नहीं है। अब है हमारा सिक्स पॉइंट कि जो धुलेकर ने कहा है कि जिसको हिंदुस्तानी नहीं आती वो यहाँ से निकल जाओ, उसका जवाब देते हुए मद्रास की जो सदस्य थी दुर्गाबाई, उसने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना सही नहीं है क्योंकि इससे प्रांतीय भाषाओं का या प्रांतीय भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो जो दुर्गाबाई देशमुख हैं, इन्होंने कहा कि जो ये हिंदुस्तानी और हिंदी का प्रचार कर रहे हो ना, इससे जो स्टेटों की भाषा है अलग अलग स्टेट की, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए हिंदी को बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की थी तो इस वजह से इन्होंने हिंदी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया और धुलेकर को जवाब दिया। अब है हमारा अगला पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के प्रश्न पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर से तूफान खड़ा कर दिया। दोबारा से धुलेकर ने 12 सितंबर को ऐसा ही भाषण दिया कि जिसको हिंदी नहीं आती वो इस सभा के लायक नहीं है। तो उसने पूरा बवाल खड़ा कर दिया था संविधान सभा में, पर तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी, यानी सारे मैटर सुलझ चुका था, डिसाइड हो चुका था, संविधान सभा ने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी भाषा जो है उसको चुनेंगे हम। अब है एट्थ पॉइंट, समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर लिया था, यानी जो संविधान सभा थी उसने हिंदी समर्थक यानी हिंदी का जो फेवर कर रहे थे और जो विरोध कर रहे थे दोनों की बातों को देखा और बीच का रास्ता निकाला, यानी कि गतिरोध तोड़ने का मतलब है आपस में जो मनमुटाव था उसको तोड़कर एक नया फॉर्मूला निकाला। अब देखना है कि उसने क्या कंक्लूजन दिया कि हम कौन सी भाषा को चुनेंगे। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, हिंदी को क्या बनाया, राजकीय भाषा। दूसरा पॉइंट, भाषा समिति का यह विचार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मामले में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, यानी अभी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना रहे हैं, इसको केवल राजकीय भाषा का दर्जा दे रहे हैं और धीरे धीरे हम इस पर काम आगे करेंगे। तीसरा पॉइंट, लगभग 15 वर्षों तक सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा, तो ना तो कोई प्रांतीय भाषा यूज़ होगी ना हिंदी भाषा यूज़ होगी, इंग्लिश का यूज़ करेंगे हम किसी भी ऑफिशियल काम में। तो 15 साल तक इंग्लिश को जो है वो क्या कर दिया गया, एक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा। फोर्थ पॉइंट है, हर प्रांत को अपने लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा, तो अब जितने भी राज्य हैं यानी जितने भी प्रांत हैं उन सबको अपने लिए अपनी लैंग्वेज चुनने का अधिकार होगा। वैसे तो सारे काम इंग्लिश में होंगे ऑफिशियल काम, पर अपने अपने कुछ कुछ स्पेशल काम के लिए राज्य अपनी अपनी भाषा को चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चार बातें मुख्य हैं सबसे जो कि संविधान सभा ने निकाली हैं, हिंदी को एकदम राजकीय भाषा बना दिया, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया। ठीक,
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हिंदी को अगर राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे तो धीरे धीरे इस पर काम करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तीसरी बात उसने कही कि सभी ऑफिशियल काम की जो भाषा होगी वो होगी इंग्लिश। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि हर प्रांत को यानी हर राज्य को अपने लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप आजकल देखते हो एग्ज़ाम्स में भी और अलग अलग स्टेट के अलग अलग एजुकेशन बोर्ड होते हैं, उनमें उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनको पूरा पूरा चुनने का अधिकार होता है। तो यही हमारे संविधान में लिखी हुई है कि हर प्रांत को अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरीके से जो संविधान सभा है उसने इस भाषा वाले मैटर को सोल्व कर लिया है, उसने अपना कंक्लूजन निकाल लिया कि कौन सी लैंग्वेज को हम चुनेंगे। तो सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं 15वें चैप्टर के भी। अब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अपनी तरफ से सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी रहती है, आपको अब अच्छे से पढ़ना है इन सारे चीज़ों को, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और एग्ज़ाम्स में टॉप करना है आप सभी को, ठीक है। और आपको इन वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे तभी पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो 12th क्लास की, हिस्ट्री को लेकर या और भी किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताया करो। जितना हो सकेगा हम रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपके कमेंट्स की। तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।